हेलो एवरीवन, आज हम वेरी गुड यानी इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 6। मुरलीज मैंगो ट्री, मुरली का आम का पेड़। लिसन रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी दी है मुरली का आम का पेड़। वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने मैंगो खाई थी। ही थ्रू द सीड्स बिहाइंड हिज हाउस, और उसने जो आम के सीड्स हैं उसे अपने घर के पीछे डाल दिया था। मैनी मंथ्स लेटर ही शो अ प्लांट, कुछ महीने बाद उसने वहाँ पे प्लांट देखा। ही वॉटर्ड द प्लांट एवरी डे, और उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो प्लांट है उसे हर रोज पानी देना स्टार्ट कर दिया। The plant grew into a big mango tree. जो वो प्लांट था वो बड़ा होकर क्या बन गया, एक बड़ा सा आम का पेड़। Every summer many mangoes grow on it. हर साल समर में वहाँ पे बहुत सारे मैंगोज है, वो आम के पेड़ पे आते हैं। Now Murli's children ate the mangoes. और अभी मुरली के बच्चे हैं वो ये मैंगो खा रहे हैं। देखो यहाँ पे मुरली है, ये उसकी बीवी और ये उसके बच्चे, और ये क्या है, आम का पेड़। जो मुरली ने मैंगो खाकर आम का सीड्स वहाँ पे डाल दिया था, उसमें से उसने प्लांट दिखा, फिर वो उसे पानी देने लगा, और फिर वो क्या बन गया, एक बड़ा सा आम का पेड़। और हर साल समर में उसमें क्या आता है, मैंगो आती है। नेक्स्ट रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर, क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं और दो ऑप्शंस दिए हैं, जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन का पिक्चर है उसे टिक करना है। मुरली एट अ बनाना क्या मैंगो। वन डी मुरली ने क्या खाया था, एक दिन बनाना खाया था या फिर मैंगो, उसने मैंगो खाया था, तो यहाँ पे मैंगो है वो हम टिक करें। नेक्स्ट ही थ्रू द सीड्स या फिर मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने क्या अपने हाउस के पीछे फेंक दिया था, मैंगो का सीड्स या फिर मैंगो, उसने मैंगो का सीड्स फेंका था, यहाँ पे आएगा सीड। मैनी मंथ्स लेटर ही शो अ सीड प्लांट, कुछ महीने बाद उसने क्या दिखा था, वहाँ पे उसके घर के पीछे जो उसने वहाँ पे मैंगो का सीड्स फेंका था, वहाँ पे क्या हो गया था, सीड्स था या फिर प्लांट था, वहाँ पे प्लांट था, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे प्लांट। नेक्स्ट ही वॉटर्ड द सीड या फिर प्लांट एवरी डे, वो हर रोज किसे पानी देता था, सीड को या फिर प्लांट को, प्लांट को, यहाँ पे प्लांट है उसे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट मैनी एप्पल्स या फिर मैंगोस ग्रू ऑन द ट्री, पेड़ पे क्या आने लगे थे, एप्पल्स आने लगे थे या फिर मैंगोज, मैंगोज क्योंकि वो आम का पेड़ था, यहाँ पे मैंगोज से उसे टेक करेंगे। बच्चों ये सारे सेंटेंस हैं जो आगे हमने स्टोरी देखी थी उसके रिलेटेड ही है। ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स ब्रांचेस फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड अ स्विंग, बच्चों यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दी है वहाँ पे आपको एक ट्री ड्रॉ करना है, उस पर क्या आना चाहिए, लीव्स भी होने चाहिए, ब्रांचेस भी होनी चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, बर्ड भी, नेस्ट और स्विंग भी, आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्री का पिक्चर ही वो ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव, क्या करना है, आपने जो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे वो पिक्चर के हिसाब से जो वर्ड्स है ना, लीव्स ब्रांचेस फ्रूट बर्ड्स नेस्ट और स्विंग, वो वर्ड का यूज कर कर हमें पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि थिक ब्रांचेस या फिर लॉन्ग लीव्स स्वीट फ्रूट्स, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट शुड ट्रीज बी कट, क्या ट्रीज को काटना चाहिए, नहीं, No trees should not be cut. Next, name some trees which you have seen. आपको ट्री
इसके नाम बताने हैं जैसे अपने देखा, जैसे कि नीम का पेड़, तुलसी का पौधा है, फिर आम का पेड़, एप्पल का पेड़, आपने जो भी ट्री देखा है उसके हिसाब से आप अपने लिस्ट में नेम है वो बता सकते हो।